हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुलत्री कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में बात करने वाला हूं रूम किंग थोर का कंपैरिजन वीडियो, या हम कहें कि कॉस्मिक लेवल बैटल वीडियो ऑल फादर हरक्यूलिस के साथ, जिसे आप जेफ वॉर हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रून किंग थॉर की ओरिजिन के साथ। मन करे तो सही में यार, कितने बार सुनोगे यार ओरिजिन को भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सोच किसकी ओरिजिन बनी हुई है। तो एक काम करते हैं, आज ओरिजिन की माँ बहन एक करते हैं, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि सभी के सभी आज गार्डियंस को धोखा मिलता है, उनके ऊपर फोका मिलता है। रैग्नारोक का साइकिल चल करके पूरे एज गार्डियंस की वाट लग जाती है। अब थॉर ठहरा अच्छा बच्चा, उसने प्रयत्न किया अपने पूरे एसगार्ड को बचाने का और रैग्नारोक साइकिल से निकालने का। तो वो उसी नक्शे कदम पर चलता है जिस पर उसका नाजायज बाप चला था। ओके, जायज बाप चला था, तो वो चल देता है सीधा और उसको गाइड करती है दी अनब्रेकेबल अनयूजेबल ओडिन फोर, जिसका उपयोग करने से ओडिन स्लीप में चला जाता है। साला चोट भी नहीं पाता है अपनी आइटम्स को, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो होता कुछ ऐसा है, वो बहुत सेक्रीफाइस करता है, जैसे कि अपने आँखों को निकाल करके सूखे, सच में सूखे कुएं में डाल देता। भाई शर्म नाम की चीज नहीं है, इसको लॉन्डियों को कैसे देखेगा। एक मिनट, जरूरी था नहीं। तो उसके बाद ये जाकर के अपने आप को एक पेड़ में लटका देता है, तब तक जब तक मर ना जाए, तब इसको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं रून मैजिक। और रून मैजिक का ऐसा उपयोग करता है, सबसे पहले जाकर के अपने मियोनीर को वापस लाता है। अपने हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो फील नहीं आता वाला। उसके पास सीधा जाकर के हमारे प्यारे लोकी झुकी का खोपड़ी उठा लेता है, उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे ही यार बस मजे के लिए पकड़ लेते हैं एक हाथ में। और उसके बाद मैंगोक को रियलिटी से इरेज कर देता है। मजाक चल रहा है यार, मैंगोक को रियलिटी से इरेज कर दिया, चोट कोई मतलब नहीं, सारा कुछ भी होता रहता है आजकल। तो इसमें मतलब स्टोरी दे रहे हैं तो राइटर कुछ भी फूकेगा क्या यार। अब इसके बाद ये भी कुछ नहीं है, आगे चल करके वो ट्राय है, मतलब अपने पावर्स को बस खोजते खोजते में ही, मैं बोल नहीं सकता, मैं नहीं बोल सकता, कैसे बोलूं यार, मैं सेलेस्टियल्स को मार देता है। एस्गार्डियन गॉड जो सेलेस्टियल्स होते हैं उनको यू फूक देता है, सिर्फ नाम की चीज नहीं रहता उसको, मतलब कुछ भी पावरफुल दिखाने के लिए साला परम गॉड को मार दोगे यार आप लोग, कुछ भी। ओके हो गया, चलो आज के इतना ही। और उसके बाद वो फिर सब रैग्नारोक साइकिल को खत्म वटम कर कुरी के सबसे जरूरी काम करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति क्या है, इसके बाप की जहांगीर थी जो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, कोलैप हो जाता है पूरे यूनिवर्स के साथ, खत्म। दो एपिसोड में अच्छे से कवर करेंगे फिर कभी। अगर हम बात करें अब रून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो अगर हम थॉर की स्पेशल एबिलिटीज जैसे कि वॉरियर मैडनेस, जिसमें इसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बस बात इतनी परेशानी सी है कि किसी को भी धर करके पीटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा चड्डी बड्डी यार है, ये बस पीटेगा उसको भी। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल बॉम्ब की, तो हम इसमें गॉड ब्लास्ट को भूल ही नहीं सकते। ऊपर से ऑल टाइम मतलब हर एक टंग मतलब हर एक भाषा में बात कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब ये अरे बोलते हैं ना यार, मतलब एक सीक्रेट आइडेंटिटी, बस वही वाले बात है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अर्थ कंट्रोल, ये पूरे पूरे अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, मास्टरियस कॉम्बेटियन है। अब 9 ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है ये, पर यूनिवर्सल लेवल में। इसके पास ओडिन फोर्स है, रून मैजिक है, रियलिटी रैपिंग है, बहुत ही लो टायर का रियलिटी रैपिंग है, यूनिवर्स मैनिपुलेट कर सकता है, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, सब एटॉमिक्स मैनिपुलेशन जैसी खास एबिलिटीज है, सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब एक ये बंडे का सोल को मैं डाल दूंगा कीड़े के अंदर, वाह। अब इसके बाद ये माइंड कंट्रोल कर सकता है, माइंड कंट्रोल से रेजिस्टेंस है,
ओमनीसियंस है, कॉस्मिक अवेयरनेस है, सुपर नेचुरल सेंसरी सिस्टम है, सुपर नेचुरल साइट्स है, टेलीस्कोपिक साइट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक साइट्स हैं, सुपर ह्यूमन हियरिंग है, और वेपन में हमेशा की तरह अपना पुराना पुराना हटोरा मियोनिर का यूज़ करता है। सेलेस्टियल से ऊपर लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, पर एटर्निटी इन्फिनिटी जैसे यूनिवर्सल कैरेक्टर से निचले लेवल में एग्जिस्ट करता है। और यही नहीं है, द लिविंग ट्राइब्यूनल द प्रीकेंट्रोसिस बियॉन्डर और साथ ही में द ओब्लियन और साथ ही में हमारे परम भाई साहब यानी कि परम गुरु जी डिवाइन एबोबॉल से निचले एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ मानता हूँ थोड़े गाली गलौज का बहुत दुरुपयोग किए हों, लेकिन करना पड़ता है, पब्लिक की डिमांड है, तो पब्लिक की डिमांड से हम बढ़ते हैं अपने मेन चीज की तरफ यानी कि। तो अगर हम बात करें जेयस वॉर हरक्यूलिस या ऑल फादर हरक्यूलिस की, तो ये बैटल गर्जा देने वाला होगा, क्योंकि वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें रून किंग थॉर की, तो दोनों ही लगभग अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म्स में हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि फिनिश किंग थॉर रून किंग थॉर से ज़्यादा पावरफुल है, पर अगर इस बैटल पर फोकस करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी बैटल पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ऑल फादर हरक्यूलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं और वो ऑल फादर हरक्यूलिस बना कैसे आखिर, मतलब मजेदार है ना। जेयस किंग को हराने के लिए उसको ऑल फादर का टाइटल मिला, और टाइटल दिलाने वाला भी उसका सबसे प्यारा और बेस्ट फ्रेंड है, नाम है उसका एमेडिया झाओ। और दरअसल होता कुछ ऐसा है, इसकी पहले की स्टोरी में हरक्यूलिस को मल्टीवर्स में फेंक दिया जाता है कांड के जरिए, तो ये एक अलग पॉइंट है, वो मल्टीवर्स में खो जाता है। तो जब उसे जेयस वॉर का नौटंकी चलता है, प्रिंस ऑफ पावर उस समय एमेडियस जो बन जाता है, और उसके बाद वो तभी भी, क्योंकि ये दिमाग वाला बन रहा है, तो ये अभी भी हरक्यूलिस को मल्टीवर्स में खोज रहा होता है, और जेयस किंग का हमला हो जाता है, वो नाइटमेयर को मार डालता है, और इस समय ही वो हरक्यूलिस को खोज लेता है। और वहाँ से निकालने के लिए हरक्यूलिस को ऑल फादर के सभी पावर्स वो किसी न किसी तरीके से दिला देता है। उसके बाद स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कपिल भाई ने पूरा कवर कर रखा है। तो अब अगर हम बात करें इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, तो सबसे पहली और ख़ास पावर इसके पास है 9 ओमनीपोटेंस की। इसके पास लगभग सभी पावर्स हैं, जैसे कि एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्सेस, शेप शिफ्टिंग, मास्क मार्किंग, और सेमी मिंटेलियंस पावर, और साथ ही में किसी को भी पावर्स दे सकते हैं, उनकी पावर्स को छीन सकते हैं। और जब हमने इसकी बैटल थॉर के साथ देखी थी थोड़े टाइम के लिए, तब ये थॉर पर भी भारी था। ओलंपस गॉड्स का ऑल फादर एक तरह से कहा जा सकता है, ये जीव से भी ऊपर आ जाता है उस समय पर। और साथ ही में अगर हम रून किंग थॉर से अगर इसकी बैटल की बात करें, तो मेरे हिसाब से एक वोटिंग हुआ था एक वेबसाइट में, जहाँ कौन जीतेगा बोला गया था, तो रून किंग थॉर को वहाँ पर 46% वोट्स मिले, और साथ ही में बाकी के पूरे वोट्स ऑल फादर हरक्यूलिस के पास गए हैं। तो आप सोच ही लीजिए कि बैटल का विनर कौन हो सकता है। लेकिन टायर सिस्टम का अगर हम देखें, तो दोनों लगभग एक ही लेवल में बैठते हैं, पर अगर हम देखें कि इसके पास कुछ ऐसे पावर्स नहीं है जिनके कारण ये, मतलब वीकनेस दोनों की एक जैसी है, ये लिविंग ट्राइब्यूनल, एटर्निटी, इन्फिनिटी और हमारे परम गुरुदेव वन एव ऑल से नीचे ही आते हैं। पर बात कुछ ऐसी है कि दोनों ही यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स हैं, दोनों के पास रियलिटी रैपिंग की पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रून किंग थॉर के पास रियलिटी रैपिंग की पावर्स है, टेलीपोर्टेशन की पावर दोनों के पास है, और साथ ही में फ्लाइट की भी दोनों के पास पावर्स है। लेकिन सबसे खास बात, रून किंग थॉर ने अपने आप को यूनिवर्स से मर्ज कर लिया था उसकी स्टोरी में आखिर में, पर वहीं हरक्यूलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से अगर बैटल हो जाती है कभी बाय मिस्टेक ली या फिर जानबूझ करके भी, तो इस बैटल का विनर रून किंग थॉर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे भी है जिसके कारण हरक्यूलिस हार सकता है बैटल को, पर तभी भी इसने जेयस किंग को हराया है। तो इसकी पावर्स लिमिट आप इसी से सोच सकते हो कि इसने गैलेक्टस को अपने हाथ में दबोच करके रखा था कई टाइम तक, और वहीं हमारे प्यारे गुरुदेव ने और रून किंग थॉर ने कई सारे सेलेस्टियल्स को मार दिया है। सेलेस्टियल्स वो हरामी होते हैं जिनसे कभी कभार गैलेक्टस भी डरता है। तो
पॉइंट यहाँ पर भी एक और जाता है रून किंग थॉर के पास। तो मेरे हिसाब से बैटल का विनर रून किंग थॉर हो सकता है। आप बताइए कि चेस वॉर हरक्यूलिस या ऑल फादर हरक्यूलिस किस तरीके से जीत सकता है कमेंट सेक्शन में। और भाई जिसका भी था यार, ये मेरे को याद नहीं है किस बंदे का था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बनाने के लिए वीडियोस। तो जिसका भी था प्लीज़ यार रिक्वेस्ट मान लो, करीबन 15 बंदों को व्यूअर बनाओ मेरे चैनल का। सब्सक्राइब नहीं तो चलेगा, लेकिन व्यूअर तो बनाओ। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कंटेंट का रिक्वेस्ट कीजिए। और एक खास बात, सब्सक्राइब करते ही बन जाओ एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो। सारे सोशल मीडिया के लिंक मैं नीचे में दे दिया हूँ, साथ ही मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे में दे दिया हूँ। 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ मैं, बोल दे रहा हूँ। ओके बाय।